नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्लॉथ। कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो में हम तीन सिंपल एक्सपेरिमेंट्स मैग्नेट को उपयोग करके करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें ऐसे एक नीडल चाहिए। इस नीडल में ऐसे एक थ्रेड को बांध के इस थ्रेड को उठा के कोई हेवी चीज के ऊपर ऐसे बांध दो। मैंने तो हैमर के ऊपर बांध दिया है। एक मैग्नेट चाहिए, मेरे पास तो नियोडिमियम मैग्नेट है, और एक कैंडल भी ऐसे चाहिए। पहले इस मैग्नेट को उठा के ऐसे एक मेटल सरफेस में चिपका दो। अब हमारे नीडल के सेटअप को इस मैग्नेट के ऑपोजिट में ऐसे रख दो। अब इस नीडल को उठा के इस मैग्नेट में चिपकाना है, तो पहले उसे कर देंगे। ये तो हो गया। अब इस हैमर जिसमें हमने नीडल को बांध के रखा है उसे ऐसे थोड़ा धीरे से पीछे खींचेंगे तो ये नीडल ऐसे हवा में उड़ेगा। देखने के लिए ऐसे ही होता है। अगर मैं ये नीडल को और भी पीछे खींचूंगा तो ये तो मैग्नेट के अट्रैक्शन से कट होके नीचे गिर जाएगा। तो ये डिस्टेंस ही ये नीडल इस मैग्नेट का अट्रैक्शन में होने का लिमिट है। अब हमारे कैंडल को ऐसे लाइट करके इस नीडल को ऐसे हीट करके देखो क्या होता है। हम देख सकते हैं ये नीडल तो नीचे गिर गया। हम इस एक्सपेरिमेंट को सेरामिक मैग्नेट के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे होने का कारण देखेंगे तो हम कोई भी मैग्नेटिक मेटल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे तो वो मेटल उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। जब वो मेटल का टेम्परेचर उसके क्यूरी टेम्परेचर के नीचे फिर से आ जाता है वो मेटल नॉर्मल हो जाता है और फिर से मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है। ये नीडल तो स्टील से बना है, इसका क्यूरी टेम्परेचर तो 770 डिग्री सेल्सियस है। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें तो कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। इसे पहले ऐसे पूरा बाहर निकाल दो। अब इसमें से एक पीस को उठा के उसे ऐसे कोई पानी से पूरा भरा हुआ कंटेनर के सेंटर में ऐसे डाल दो। अब एक नियोडिमियम मैग्नेट को उपयोग करके इस कॉर्नफ्लेक्स के पीस को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करो। हम देख सकते हैं ये कॉर्नफ्लेक्स का पीस तो मैग्नेट की तरफ अच्छे से अट्रैक्ट हो रहा है। अब हम सारे कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो पहले मिक्सी के जार में कॉर्नफ्लेक्स को ऐसे डाल दो। और उसमें पानी भी ऐसे डाल दो। अब इसे बंद करके ऐसे मिक्सी में डाल के 10 टू 15 सेकेंड्स अच्छे से ग्राइंड करो। अब मैंने इसे एक ग्लास कंटेनर के अंदर ऐसे ट्रांसफर कर दिया। अब एक नियोडिमियम मैग्नेट को ऐसे उठा के उसे इस कंटेनर के बाहर कहीं पर ऐसे पकड़ लो। अब इसे स्पून को उपयोग करके 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करो। अब इस मैग्नेट को यहाँ से हटा के देखो वहाँ क्या है। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तो आयन है। इसे हम मैग्नेट को उपयोग करके ऐसे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स के अंदर तो आयन होता है, इसी के कारण जब हमने पहले कॉर्नफ्लेक्स के पीस को पानी के ऊपर डाल के उसे इस मैग्नेट को उपयोग करके अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश किया था वो तो अच्छे से अट्रैक्ट हो रहा था। अब इस मैग्नेट को इस कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर के अंदर ऐसे डाल के इसे 1 मिनट तक ऐसे अच्छे से मिक्स करके इस मैग्नेट को इसके अंदर से बाहर निकाल के उसे थोड़ा पानी को उपयोग करके साफ कर देंगे तो हम इस कॉर्नफ्लेक्स के अंदर जो आयन था उसे इस नियोडिमियम मैग्नेट के ऊपर देख सकते हैं। अब ये जो आयन आप देख रहे हैं ये तो मैंने 2 पैकेट कॉर्नफ्लेक्स के अंदर से निकाला था। ठीक है, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट को करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 4 मैचस्टिक रखा है। अब ऐसे एक नियोडिमियम मैग्नेट को उपयोग करके इन मैच स्टिक्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। हम देख सकते हैं ये दो मैचेस तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है।
लेकिन ये दो मैचस्टिक्स इस नियोडिमियम मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब इन दोनों मैचेस में डिफरेंस क्या था उसे देखेंगे। पहले ऐसे एक नॉर्मल मैचेस को बाहर निकाल के उसे इस मैग्नेट को उपयोग करके अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो तो अट्रैक्ट नहीं होता है। अब इसी मैचस्टिक को ऐसे जला के फिर उसे इस मैग्नेट को उपयोग करके अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो तो अच्छे से अट्रैक्ट होता है। तो इसके पहले आपने जो देखा था उसमें पहले दो मैचेस तो नॉर्मल मैचेस था और उसके बाद जो दो मैचेस था वो तो जला हुआ मैचेस था। तो नॉर्मल मैचेस तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन एक जला हुआ मैचेस तो ऐसे एक पावरफुल मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है। ये बेसिकली ऐसे होने का कारण देखेंगे तो नॉर्मल मैचेस में जो भी केमिकल है उसमें कोई भी चीज मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम उस मैचेस को जलाते हैं उसमें एक केमिकल रिएक्शन होके उसमें आयन आ जाता है। तो ये आयन तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है, तो इस आयन के कारण ही जला हुआ मैचेस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही है। आज की वीडियो के बारे में तो आप क्या सोचते हैं उसे तो जगह कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो पर देखते हैं। बाय।